तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का जो वन यू आई 4.0 अपडेट आया है, ये बहुत सारे मोबाइल में रोल आउट हो गया है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ वन यू आई 4.0 अपडेट होने के बाद आपके मोबाइल में सैमसंग के कैमरे में क्या क्या नए फीचर ऐड होंगे, या फिर बोल सकते हैं कैमरे में क्या क्या नया अपडेट होगा। तो आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जिस मोबाइल में वन यू आई 4.0 का अपडेट आ चुका है, या फिर बोल सकते हैं एंड्रॉइड 12 का अपडेट आ चुका है, उसके अंदर आपको ये फीचर देखने को मिलेंगे। यहां पर आप देखेंगे, मैं आपको बताया था मेरे पास वन यू आई 4.0 का अपडेट आ चुका है। मैं यहां पर जाता हूं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, तो आप देख सकते हैं यहां पर वन यू आई 4.0 और एंड्रॉइड 12 का अपडेट आ चुका है। यहां पर आपको जब आप कैमरे को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहला जो चेंजेस मिलने वाला है आपको यहां पर ही मिलने वाला है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, ये आपको यहां पर ऑप्शन चेंज हो गए कि यहां पर पहले क्या लिखा नहीं आता था, अब आपको यहां पर लिखा आने लगा है, लाइक 0.5, 1 और 2। जैसे ही आप यहां पर 2 पे जाएंगे तो आपको नीचे और भी सजेशन मिल जाएंगे आप कितना जूम कर सकते हैं। तो सबसे पहला चेंजेस ये है कि आपको यहां पर क्लियरिफाई होने वाला है कि आप कितने जूम पे यहां पर चलाने वाले हैं। तो सबसे पहला अपडेट यही था। उसके जो सेकंड बताने वाला हूं दोस्तों, उसके लिए वापस मैं उसको क्लोज करूंगा। जैसे भी ओपन करूंगा तो आप यहां पर देखेंगे आपको यहां पर सजेशन मिल रहा है। जैसे यहां दिख रहा है यूज मैक्रो मोड, मतलब कि आपको यहां पर मैक्रो मोड की यूज करने की जरूरत है, तो आपको ये खुद ही सजेशन करने वाला है। तो अगर आप नाइट मोड में होंगे तो ये नाइट मोड में बता देगा कैसे। मैं आपको नाइट मोड का भी बताता हूं। यहां पर मैं लाइट को बंद करता हूं, मैंने लाइट को बंद कर दिया और मैं यहां पर कैमरे को ऑन करूंगा तो आप यहां पर देखेंगे आपको सजेशन दे रहा होगा प्लीज यूज नाइट मोड, आपको दिख रहा होगा यहां पर लिखा रहा है यूज नाइट मोड। तो ऐसे ही यहां पर आपको सजेशन देने वाला, आप जहां जहां आप यूज करेंगे उसके हिसाब से वहां पर आपको ये ऑप्शन करेगा। जैसे ही आप लाइट चालू कराए यहां पर मैक्रो मोड का ऑप्शन आ गया है। तो ये बहुत ही शानदार यहां पर फीचर ऐड किया गया है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड बताने वाला हूं वो है वीडियो से रिलेटेड। अगर आप अपने मोबाइल में कभी वीडियो शूट करना रहता था, वहां पर होता क्या था, जब आप उसको पुराने वाले वर्जन में या 1.3.0 में जब भी आप वीडियो को क्लिक करते थे तो वो टाइम लेता था रिकॉर्डिंग होने में, बट अब इसमें हो क्या गया, इंस्टेंटली होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो फट से वीडियो रिकॉर्डिंग होना चालू हो जाएगा। तो इसको यहां पर स्मूथ कर दिया गया और कह सकते हैं फास्ट कर दिया गया। तो ये भी एक नया फीचर ऐड किया गया। उसके एक और नया फीचर ऐड किया गया, बोल सकते हैं फोर्थ जो नया मीटर है, नया फीचर है, वो है फोटोज के अंदर। दोस्तों कभी कर क्या होता है, हम कोई फोटो को क्लिक कर रहे होते हैं बट हमें सडनली लगता है कि नहीं हमें वीडियो शूट करना है, इस वाले ये वाला जो सीन है या फिर हो सकते हैं ये वाली जो मूवमेंट है हमें इसको वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो हम वीडियो पे जाते हैं, उसको टाइम लगता है। बट आप अब क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटली फोटोज पे क्लिक करके आप कोई भी वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर रिकॉर्डिंग हो गई है। अगर आप चाहते हैं इसको छोड़ना तो आप यहां पर छोड़ भी सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि इसको इंस्टेंटली और रिकॉर्डिंग करना है तो आपको यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर लॉक बना हुआ दिख रहा होगा, आप उसको भी यहां जाके छोड़ देंगे तो ये रिकॉर्डिंग होना चालू हो जाएगा। जैसे नॉर्मल वीडियो प्लेयर में होता है वैसे ये काम करना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो कोई फीचर नहीं है, बट यहाँ पर क्या किया गया है, अब सिंगल टैग के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर पूरे लेआउट को चेंज कर दिया गया है और कुछ यहाँ पर कुछ चेंजेस भी कर दिए गए। अगर आप यहाँ पर अब शूट करेंगे तो आपको कुछ वहाँ पर डिफरेंस मिलने वाला है, तो ये भी एक नया फीचर दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है वो है आपको प्रो मोड के लिए। आप यहाँ पर मोर में जाएंगे तो मोर में जाने के बाद जो यहाँ पर प्रो मोड का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर तब जाएंगे, अगर प्रो मोड चाहे वीडियो में जाएंगे तब वहां पर चाहे फोटोज में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसको पूरा बैलेंस अच्छा कर दिया गया, बोल सकते हैं लाइट कर दिया गया, जिससे आप इजिली फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं और अच्छे से वहां पर क्लियर फोकस को सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है वो है आपका यहाँ पर इसका एंगल को आप सेट कर सकते हैं। एंगल को आप देखेंगे यहाँ पर आपको ग्रीन ये लाइन मिल रही होगी येलो, अगर आप यहाँ पर लैंडस्केप में रहेंगे तो ऐसे मिलेगा और अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करेगा कि आप करेक्ट एंगल में इसको फोटो लें, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में दोनों पे आपको ये काम करेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो उसके लिए पहले आपको जाके सेटिंग में जाके ग्रिड लाइन को ऑन करना होगा, उसके बाद आप इसका यूज कर पाएंगे। तो ये भी शानदार फीचर दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है वो है स्कैनिंग टेक्स्ट को लेकर। यहां पर आप कोई सी भी अगर टेक्स्ट को स्कैन करेंगे तो आपको बहुत इजीली वहां पर उसका ऑप्शन मिल जाएंगे। लाइक मैं यहां पर आ गया हूं और मैंने इसको यहां पर से स्कैन करने के लिए आप देख रहे हैं मैं यहां पर आ गया हूं। जैसे मैं यहां पर आऊंगा तो आपको यहां सजेशन मिल जाएगा, आप देख रहे होंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे और वो आपको वहां पर बता देगा टैप टू स्कैन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कैन पे क्लिक करेंगे वो स्कैनिंग हो जाएगी और आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ से आपको स्कैन करना है, कितना एरिया करना है, और आपको वहां से उस पर सेव पे क्लिक कर देंगे तो वो वहां पर सेव हो जाएगा। तो यहां पर आप कोई से भी डॉक्यूमेंट्स में होंगे तो वहां पर आपको स्कैनिंग के लिए बहुत अच्छा फीचर्स यहां पर दे दिए गए हैं। दोस्तों यही नए फीचर थे जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है उसमें मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो में क्या कमी लगी। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाना ना भूले, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो थैंक यू।